में ये पॉजिटिव मिले थे, केजीएमयू लैब से कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो आगरा में एक ही परिवार के कोरोना के 6 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। आगरा का ये परिवार इटली की यात्रा से लौटा था। कोरोना पीड़ित परिवार के घर से भारत समाचार के संवाददाता अनूप पांडे ने हालातों का जायजा लिया है। आगरा से इटली गए एक दंपत्ति का परिवार जब यहां वापस लौटा 25 फरवरी को, उसके बाद उसको कुछ तकलीफें हुई और आज जांच के बाद ये रिपोर्ट सामने आई कि परिवार के 6 सदस्यों को कोरोना वायरस पीड़ित है वो सदस्य, और उनका इलाज दिल्ली के सफदरजंग में चल रहा है। बाकी बचे 7 सदस्यों को उनको उसी घर में कैद किया गया है जहां पर मेडिकल देख रेख में उनका इलाज चल रहा है और किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। हम इस समय उसी घर के सामने खड़े हैं जिस घर में वो पीड़ित लोग हैं। हमारे साथ उस घर के गार्ड हैं, गार्ड से बात करेंगे क्या हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले कोई टीम आई थी? हाँ जी, टीम आई CMO ऑफिस से। और वो जो है अपना धुआं फुआं छोड़ा, इसमें खिड़की खुलवाई, ये लोग सब ऊपर करवा दिए। क्या जो है SS है, हमसे कही आप किसी को अंदर नहीं जाने देंगे, हमने जो है मना कर। तो कुछ बताया उन्होंने क्या तकलीफ क्या? नहीं नहीं, ये नहीं बताया क्या, लेकिन ये कही क्या बाबा बीमारी है कुछ। अच्छा। हाँ, तो तुम भी अंदर मत जाना। हाँ, अंदर जाने के लिए मना किया? हाँ, अंदर जाने के लिए मना किया, सबसे किसी को नहीं जाने दिया। इधर नोएडा में कोरोना वायरस को लेकर टोल फ्री नंबर जारी किया।